नमस्कार, मैं भावना IIMCMT कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर कितना मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिकता क्या रोल अदा करती है युवाओं के अंदर मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए, और आज के युवा आध्यात्मिकता से कितना कनेक्टेड हैं और आध्यात्मिकता कितनी महत्वपूर्ण है युवाओं के अंदर। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ईशु जिंदल है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो युवाओं के अंदर मेंटल स्ट्रेस को कम करने में क्या रोल प्ले करती है और कितनी इम्पॉर्टेंट है यूथ्स के लिए। स्पिरिचुअलिटी जो है, वो वर्ड ही स्पिरिचुअलिटी बहुत एक बियॉन्ड वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, और स्टूडेंट्स के लिए और आज की यूथ जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अभी इस टेक्नोलॉजी में, AI टेक्नोलॉजी में, और जितने भी स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो रहे हैं, डिजिटली डाइवर्ट हो रहे हैं, और इंस्टा, फेसबुक, इन सब चीज़ों से क्या है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं सब चीज़ों को जानना चाह रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर स्टूडेंट्स स्पिरिचुअलिटी नहीं जानते हैं ना, तो उनका मेंटल जो पीस है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहा है, और वो अपने आध्यात्मिक वे से किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये मस्ट है कि स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने, अगर स्पिरिचुअलिटी, वो बियॉन्ड लेवल पे स्पिरिचुअलिटी ना भी जाकर अगर अपने ही हिस्टोरिक माइथोलॉजीज को पढ़े, एटलीस्ट उनको समझे, उनको फॉलो करे, तो उससे क्या, एक वो एनर्जेटिक फील होगा। समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है इतना वर्कलोड हो जाता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो समझना ही छोड़ देता है कि उसके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी से क्या है, उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है, उसको एक वे मिलता है आगे बढ़ने के लिए, और उसको एक पॉजिटिविटी मिलती है, और पॉजिटिविटी जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। एज इन मैं टीचर बोल सकती हूँ, एज इन मैं स्टूडेंट बोल सकती हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्कार दी। आपका शुभ नाम? आशा। आशा जी, आप हमें बताएं कि जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो मेंटल स्ट्रेस को कम करने में क्या रोल अदा करता है युवाओं के अंदर। जैसे हम मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, इसमें जैसे मेडिटेशन आती है, हमारा कंसंट्रेशन आता है। अगर हम मेडिटेशन सुबह शाम करते हैं तो उससे हमारी विल पावर इंक्रीज होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। जैसे हम कोई भी काम करने पहले मतलब कोई भी डाउट होता है कि हम ये करें या ना करें, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस से करते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं, सुबह शाम करते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। हम मतलब एक अपने डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकते हैं उसमें, और पहले मेडिटेशन तो होती नहीं है, लेकिन बाद में अगर उसमें टाइम दे सुबह शाम, एक मतलब थोड़ा टाइम पहले 5 मिनट 10 मिनट, फिर उससे हमारी रेगुलर एक इंटरवल बन जाता है, हैबिट बन जाती है कि हम उसे अच्छे से कर पाए। धन्यवाद। बेटा, आज के टाइम में मुझे लगता है जो मेंटल स्ट्रेस का सबसे बड़ा वन ऑफ द रीजंस इज कि लोनलीनेस। और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो यू डोंट फील लोनली, आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके साथ कोई ना कोई है, और आप किसी ना किसी के ऊपर आश्रित हो, और किसी ना किसी के ऊपर आपका विश्वास रहता है, जिसकी वजह से जो है मेंटल स्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है हमारे एज की, इस एज की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो लोनलीनेस है, और लोनलीनेस की वजह से ही जो सारी प्रॉब्लम्स जो है हम लोग जो है वो करते हैं। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हो इस मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, भगवान के ऊपर आश्रित रहते हो, भगवान में आपका विश्वास है, या आप कोई मेडिटेशन करते हो, तो आपके वो सारी प्रॉब्लम स्वतः ही ख़त्म हो चली जाती है। हेलो। हाय। आपका नाम क्या है? माय नेम इज नेहा। तो नेहा, आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो मेंटल स्ट्रेस को कम करने में कैसे हेल्पफुल है, और मेंटल स्ट्रेस को कम करने में स्पिरिचुअलिटी क्या रोल प्ले करती है। देखो, अकॉर्डिंग टू मी, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन जो भी हम करते हैं तो इतना रिलीफ मिलता है कि भी, मान लो असी जब भी मेडिटेशन करते हैं, मान लो आप स्ट्रेस है, डिप्रेशन च हैं, ठीक है, तो असी मान लो मेडिटेशन तो आप कोई ऐसी चीज़ बारे सोचा कि सानू रिलैक्स फील होवे, ठीक है, तो वो सानू लगता है कि भी आपां उनू कर सकते हैं काम नू, आपां नू वो काम करना चाहिए जिदे विच सानू मजा आवे, जिदे विच साडा इंटरस्ट होवे। आप अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? हाँ, एक्चुअली गीता मैं स्टार्ट की सी, मम्मी ने कहा सी कि मैं गीता पढ़नी चाहिए है, तो गीता मैं पढ़ी। उसमें आप कुछ भी पढ़ोगे आपको समझ आएगा, बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको रिलीफ फील करना है तो।
आपके जीवन में क्या बदलाव आए जब आपने गीता पढ़ी उसके बाद? आपका स्ट्रेस कम होता है, बिल्कुल शांत फील करते हैं। थैंक यू। नमस्कार। आपका शुभ नाम? शिखर। तो शिखर जी, आप हमें बताएं कि जो मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए आध्यात्मिकता क्या रोल अदा करती है युवाओं के अंदर? आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है, मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे, हम कुरुक्षेत्र में हैं तो हमें ये गीता का ज्ञान हमें यहीं से मिला था। तो जब मैंने भी थोड़ी बहुत गीता पढ़ रहा हूँ, जैसे कि रात में है, तो अगर मैं रात में गीता सोते हुए पढ़ता हूँ फिर उसके बाद तो, और दिन में उठता हूँ तो एक काफ़ी अच्छा सा लगता है मुझे। तो ये काफ़ी, उसमें उन्होंने, श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें किस तरह से करना चाहिए, तो हमें अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। तो निकिता, आप हमें बताएं कि यूथ के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है वो मेंटल स्ट्रेस को कम करने में क्या रोल अदा करती है? सबसे पहले तो मैं आध्यात्मिकता की बात करती हूँ, तो वो जो है युवाओं में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक सबसे पहली चीज़ यही है, अगर ये नहीं होगी ना तो हम किसी चीज़ को जान नहीं पाएंगे। आध्यात्मिकता से मेरा मतलब है कि खुद को जानो। अगर हम खुद को जान पाएंगे ना तभी किसी चीज़ को हम समझ पाएंगे। तब तक, जब तक हम खुद ही उस चीज़ को नहीं जानते, अध्यात्म हम खुद ही नहीं है, तो मान लो सामने जो चीज़ हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, तो हम उसको नहीं जान पाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? आनंद जायसवाल। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं के अंदर स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है, कितनी इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी यूथ्स के अंदर, और वो मेंटल स्ट्रेस को कम करने में क्या रोल अदा करती है स्पिरिचुअलिटी युवाओं के अंदर? स्पिरिचुअलिटी मीन्स अपने आप को समझना, है ना, खुद को जानना, और अगर हम खुद को जान जाएं तो उससे बड़ा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, जो आज यूथ को बहुत ज़रूरत है, है ना। जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक हमारा जो माइंड है, हमारा फोकस है, वो दुनिया बनी रहती है, है ना, दूसरे लोग बने रहते हैं। लेकिन जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं, जानने लगते हैं, तो हम केंद्रित होते हैं, और जैसे ही हम केंद्रित होना शुरू करते हैं हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की जागृति आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और सेंसिटिविटी जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे? अभी देखो, बहुत बार ऐसे होता है कि हम गलत ढंग से व्यवहार करते हैं, बहुत बार हम अपने माँ बाप के साथ बड़ा गलत तरह से पेश आ जाते हैं, या टीचर्स के साथ भी आते हैं, या दुनिया में जिसके साथ हमारा रिलेशन है उसके साथ हम गलत ढंग से पेश आने लगते हैं। क्यों? हमारी सेंसिटिविटी ख़त्म होती जा रही है, है ना। हम दूसरों की भावनाओं को समझने में असफल हो रहे हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हम दूसरे की भावनाओं को भी कद्र करते हैं, और उसके दुख को महसूस करने की एबिलिटी हमारे अंदर ज़्यादा हो जाती है। स्पिरिचुअल होने से हमारा जो काम करने की जो हमारी एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है, जो हमें यूथ को चाहिए, हम लोगों को चाहिए। कैसे? अगर देखो आप, हम स्पिरिचुअल नहीं हैं तो हमारा दिमाग अलग 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 ऐसे फंसा रहता है ना, एक साथ हज़ारों थॉट्स हमारे मन में चलता है जो हमारे काम को प्रभावित करता है, हम ठीक से अपने काम पर फोकस नहीं हो पाते। लेकिन जब कोई भी एक आध्यात्मिक अभ्यास हम शुरू करते हैं तो उससे हमारा, एक तो मन हमारा शांत होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, फिर जो एक्शन हम कर रहे हैं, जो मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा पढ़ाई में आउटपुट अच्छा हो जाता है, या हम स्पोर्ट्स में हैं, या किसी जॉब में हैं, या जो भी हमारा बिजनेस है, हम जहाँ पे भी हैं हम अपना बेस्ट देने के, हमारी क्षमता बढ़ जाती है। और ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना। हमें लगता है कि यूथ को स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत नहीं है, ये बूढ़ों का काम है, है ना, 50-60 साल बाद शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में 50-60 साल बाद हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल होते हैं, है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत हमें यूथ को आज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यूथ को ही बाहर जाके काम करना है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है, घर संभालना है, बिजनेस संभालना है, परिवार संभालना है, सबसे रिलेशन अच्छे करने हैं, और ये सारी चीज़ों में हेल्प करने के लिए हमें स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है।
अभी देखो दुनिया में, ये तो हमारे भारत का एक क्या कहेंगे एसेंस है हमारे भारत में, हम भारतीयों में, कि हमारे अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ है, वो स्पिरिचुअलिटी का सेंस है हमें। अगर आप पूरी दुनिया में कहीं जाओ तो आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यूथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। तो अगर हम थोड़ा सा भी अभ्यास करें और थोड़ा सा भी थोड़ी थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी अगर हम डेली इसको अपने रूटीन में शामिल करें किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और ज़्यादा स्वस्थ भी हो सकते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए भी हमें स्पिरिचुअल होना आज बहुत ज़रूरी है। 156 तरह की बीमारियां हैं जो आज कहते हैं कि साइकोसोमैटिक डिजीज़ बोलते हैं जिन्हें, जो मन के तनाव से उत्पन्न होती है, जिसमें बीपी है, शुगर है और बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अगर हम थोड़ा सा भी अभ्यास करें तो हम अपने मन के तनाव को कम कर सकते हैं, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी। और हमारी हेल्थ अगर अच्छी है तभी हमें जो जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें हम बेहतर काम कर पाएंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? तान्या। तो तान्या, आप हमें बताएं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो मेंटल स्ट्रेस को कम करने में क्या रोल प्ले करती है? भगवान के प्रति हमारा जो ध्यान है वो तो होना ही चाहिए। अगर हम सुप्रीम पावर से जुड़ेंगे तो उसकी वजह से हमारा मेंटल स्ट्रेस तो कम होगा ही। जब भी हम स्टडीज़ वगैरह करते हैं, स्टडीज़ तो हम खुद के लिए कर रहे हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस दुनिया में करने के लिए क्या आए हुए हैं। इसीलिए हमें भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए। हम मंदिर में जाएं या कोई भी, सभी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और भी अलग अलग से जुड़े हुए हैं, कोई सत्संग जाएगा, कोई कहीं पर भी जाएगा, तो उसकी वजह से भी मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है। ओके, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? नितिन। नितिन जी, आप हमें बताएं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो यूथ के अंदर मेंटल स्ट्रेस को कम करने में क्या रोल अदा करती है? जैसे कि यह आध्यात्मिक है, इसका युवाओं के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो उनके अंदर गुस्सा, घृणा, क्लेश जैसे रहते हैं ना, वैसे रहेंगे उनके अंदर। इसे करने से है ना, ये इसकी मन को शांति प्राप्त होती है ये करने से। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? ताशु खन्ना। ताशु, आप हमें बताएं कि जो यूथ है, यूथ के अंदर आज जैसा कि हम देख रहे हैं मेंटल स्ट्रेस का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर क्या रोल प्ले करती है और वो किस तरह से मेंटल स्ट्रेस को कम करती है? एक्चुअली नाउडेज लाइफ ऑफ यूथ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, सो यू डेफिनेटली नीड्स टू लुक आउट ऑन द मेंटल पीस। एंड वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड बेस्ट मेथड इज़ बींग स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली इट हेल्प्स इन एंड्यूरिंग हार्डशिप, इट एनेबल्स to evaluate one's life and it helps in their accepting their goals and experience. नमस्कार। तो आज हमें सभी से बात कर हमें पता चला कि आज का युवा कितना कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी से और स्पिरिचुअलिटी मेंटल स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम करती है और ये युवा जान चुका है और वो आध्यात्मिकता से जुड़ने का पूरा प्रयास आज का युवा कर रहा है। और सबसे मेन बात कि आज लोग ये जान गए हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना केवल बुज़ुर्गों का काम नहीं है बल्कि युवाओं के लिए आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना अति आवश्यक है। ये आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करता है और साथ ही साथ ये हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मददगार साबित होता है।